नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल पांडे और आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज है। मैं मौजूद हूं इटावा शहर में और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अपने देश का सबसे गर्म मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। जी हां, इस राम मंदिर के मुद्दे की 40 दिन की सुनवाई होने के बाद अब सिर्फ फैसला आना बाकी है और क्या फैसला होगा, इसका पक्ष में होगा या विपक्ष में, ये अभी किसी को नहीं पता। खैर, इस बात को जानने के लिए हम थोड़ा लोगों से रूबरू होते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस फैसले पर, कि क्या उनका विचार है कि वो फैसला पक्ष में चाहते हैं या विपक्ष में, क्या उनकी सोच है। चलिए जानते हैं इस बात से। आप हमें बता सकते हैं कि राम मंदिर का 40 दिन हो चुके हैं सुनवाई के लिए, फैसला आना बाकी है, तो आपका क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना तो यही है कि इतने दिन से, लगभग 70-80 साल से ये मुद्दा जो चल रहा था, आज सुनवाई का जो लास्ट टाइम चल रहा है, राम मंदिर बनना ही चाहिए और फैसला जो भी आएगा हम सबको मंजूर होगा। क्या कह रहा है दिल, क्या कह रहा है आपका? यही कह रहा है जय श्री राम। जय श्री राम, तो मतलब ये दिल आपका ये कह रहा है कि जय श्री राम मंदिर बनेगा, हमारे पक्ष में ही आएगा फैसला, भी हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। आपको पता है बिल्कुल, आप श्योरिटी है, गारंटी है, पहले हर कीमत पे आएगा, हर कीमत पर आएगा, तो आप फैसला अपने पक्ष में नहीं चाहते हैं। अच्छी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप राम मंदिर के लिए? बस यही, हर कीमत पे फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो देखा आपने, लोगों में जोश भरा हुआ है राम मंदिर को लेकर और इन लोगों में इतनी आस है, इतनी बिल्कुल अंदर से इन लोगों का दिल भी ये कह रहा है कि राम मंदिर का फैसला इन्हीं के पक्ष में आएगा। चलिए, जैसा कि इनका मानना है कि राम मंदिर का फैसला इनके हक में होना चाहिए और ये चाहते हैं, चलिए अब इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मानना है। आपका क्या मानना है? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से जल्दी। तो आपका दिल क्या कहता है कि फैसला आपके हक में आएगा? फैसला आए हक में, आपके हक में नहीं आए तो बने, मोदी है तो मुमकिन है। तो देखा आपने कि कैसे लोग बोल रहे हैं कि फैसला अगर नहीं भी आएगा तब भी राम मंदिर बनेगा, इतने अटल हैं अपने विचारों पर लेकर। तो आपका क्या, आप क्या बोल रहे हैं? मोदी है तो सब मुमकिन है, आप वो हाँ कोर्ट पे विश्वास है, मोदी पे विश्वास है कि राम मंदिर बन के रहेगा, मोदी पर पूरा विश्वास है बिल्कुल। तो देखा आपने, मोदी सरकार पर लोग इतना विश्वास करते हैं। हमारी राय है कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर के लिए ही, अयोध्या के लिए ही फैसला राम मंदिर के लिए ही आएगा। और आपका क्या मानना है कि आप राम मंदिर बनेगा? बनेगा, बनेगा। अच्छा, चलिए अब इनसे बात करते हैं कि आपका आपका क्या कहना है राम मंदिर बनना चाहिए, बहुत जल्दी बनना चाहिए। बिल्कुल दिल दिल कह रहा है आपका, बिल्कुल दिल कह रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भी सबक मिल जाए, ये काम जल्दी खत्म हो जाए। जी, तो लोगों को अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी शिद्दत से लोग बिल्कुल अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उनका मानना है कि राम मंदिर का फैसला इनके ही हक में है।